तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या है। कि अगर इसमें तुम देखोगे तो कहता है एक टेबल है, टेबल वो तो दिखाई दे रहा होगा, एक टेबल है विथ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस इन ए केबिन विच मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। पूरा का पूरा टेबल ओमेगा से अपनी सर्कल पे, ठीक है ना, आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है पूरा टेबल, ठीक है, लार्ज रेडियस, ठीक है, टेबल की रेडियस बहुत लार्ज है। द स्मूथ पुली ऑफ रिलीज फ्रॉम द टेबल, टेबल से एक पुली अटैच है जो कि स्मूथ है, ये वाली चीज। दो मास हैं, एक मास स्मॉल एम है, एक मास 2 m है। प्लेस ऑन द टेबल कनेक्टेड थ्रू द स्ट्रिंग पास ओवर द पुली। इनिशियली मासेज आर हेल्ड बाई ए पर्सन, स्ट्रिंग होल्ड आउटवर्ड रेडियस ही सिस्टम रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कैबिन। ही इज द ऑब्जर्वर, ये अपना ऑब्जर्वर है। तो अगर ये ऑब्जर्वर है तो ये मोशन को ऑब्जर्व करेगा। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सलेशन ऑफ मासेज एंड सीन फ्रॉम द कैबिन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो कैबिन से अगर ये ऑब्जर्वर देखता है तो इसके अकॉर्डिंग कितना एक्सलेशन होगा और टेंशन होगा स्ट्रिंग में, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखो, अगर सिस्टम यहाँ ओमेगा से घूम रहा है तो ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज एक्स, ये इन स्ट्रिंग के बीच का लेंथ है, और ये पूरा का पूरा रेडियस आर है। तो एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, तो ये एक्स जो है वो नेगलेक्ट कर दो, डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिंग। तो इसको मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग को, लेंथ को मैं नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि वो हमें नेगलेक्ट करके चलना है, क्योंकि रेडियस बहुत बड़ा है। तो रेडियस बहुत बड़ा है तो यहाँ मैं एक लाइन लिखता हूँ, सिंस आर इज लार्ज बड़ा है, सो नेगलेक्ट नेगलेक्ट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को बीच जो डिफरेंस है उसको आपको नेगलेक्ट कर देना है। तो अगर मैं ये चीज़ नेगलेक्ट कर दूं, तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि अगर कैबिन से देखोगे तो, कैबिन से देखोगे तो ये सूडो इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये जो ब्लॉक है ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा, इस टाइप के सर्कल में घूम हो रहा होगा, जिस सर्कल की रेडियस कुछ आर होगी। तो इस ब्लॉक पे अगर देखोगे तो इस ब्लॉक पे जो सूडो फोर्स है वो इधर की डायरेक्शन में फील होगा, जिसकी वैल्यू होगी एम आर ओमेगा का स्क्वायर। एक का मास एम है और दूसरे का मास 2 है, और इस पे जो टेंशन है वो इधर लग रहा होगा टी, और ये ब्लॉक कैबिन के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं ए एक्सलेशन से आगे जा रहा है। वैसे तो यार इस क्वेश्चन को तुम एक लाइन में भी कर सकते हो, मेरे पास ऐसा ट्रिक है कि मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ, बट मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये दूसरे वाले का दो जो दूसरा कितना था, दूसरे का मास कितना था बोलो, दूसरे का मास 2 m था। तो ये जो ये वाला जो ब्लॉक है 2 m का, तो 2 m का जो ब्लॉक है इस पे सूडो फोर्स इधर फील होगा जो होगा 2 m r ओमेगा स्क्वायर, और टेंशन इस पे इधर लगेगा, और कैबिन के टेंशन इस पे इधर लगेगा, और कैबिन के फ्रेम से देखोगे तो ये इधर ए एक्सलेशन से एक्सलेट हो रहा होगा। तो इस पे यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ भी दिखा सकते हो, टेंशन ऐसे लगेगा और इस पे ऐसे लगेगा, तो ये पूरा इधर आएगा और ये पूरा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो चलो अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, तो ये इक्वेशन लिखता हूँ, तो पहले वाले का इक्वेशन लिखूँ तो ये आ जाएगा टी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। और दूसरे वाले का ये सब कहानी कैबिन के फ्रेम से हो रहा है, दूसरा वाले का 2 m r ओमेगा स्क्वायर - t इज इक्वल टू 2 m, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर तुम इनको ऐड करोगे और सॉल्व करोगे तो a और t मिल जाएगा, तो ऐड कर दो t, t खत्म हो जाएगा, तो t खत्म हो गया तो यह आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर दैट इज 3 m a। तो एक्सलेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आर ओमेगा अपॉन 3। तो ये एक्सलेशन किसके रिस्पेक्ट में है, दिस एक्सलेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू, दिस एक्सलेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू कैबिन। तो ये कैबिन के रिस्पेक्ट में ये एक्सलेशन है। तो अगर इस एक्सलेशन की वैल्यू रख दोगे, ठीक है, कहाँ पर वैल्यू रख दोगे भाई,
तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पर रख दो तो तुम्हें टेंशन मिल जाएगा। तो टी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू रखोगे तो आर ओमेगा अपॉन 3 आ जाएगा। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो टी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर 3 और प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली जो टेंशन बनेगा वो आ जाएगा 4/3 एम आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये एक्सलेस टेंशन रहा, एक्सलेशन रहा। देखो इस क्वेश्चन को तुम एक लाइन में भी कर सकते हो, एक ट्रिक है। तो इस ट्रिक से तुम एक लाइन में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो एक पावरफुल ट्रिक है, वैसे तो मैं बताया हूँ, तो अगर करना चाहते हो तो इसको तुम एक लाइन में भी कर सकते हो। ये पूरा पूरा टेबल घूम रहा है, इस पे एक पुली है और ये एक ब्लॉक इधर है और एक ब्लॉक अपना इधर है, ठीक है। ये दो छोटे छोटे ब्लॉक हैं, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है, और ये पुली है। तो यहाँ पर ये जो है वो इधर सूडो फोर्स फील करेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये इधर सूडो फोर्स करेगा 2 mr² स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली मोशन इधर हो रहा ना, तो एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी नेट पुलिंग फोर्स, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, एक्सलेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो नेट फोर्स कितना है, तो 2 mr² माइनस mr² डिवाइडेड बाय 3 m। तो mm से कट गया तो यह आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3, दिस इज द एक्सलेशन। तो ये तो पहला आइडिया हो गया। दूसरा, अगर तुम टेंशन की वैल्यू जानते हो तो नेट ये वाला फोर्स, खींचने वाला फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स और इसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 mr² और मल्टीप्लाई कर दूँ मास m से और प्लस कर दूँ बैकवर्ड फोर्स, जो फोर्स पीछे खींच रहा है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रिवर्स मास ये वाला, ठीक है, और डिवाइड कर दूं समेशन ऑफ मास से, दैट इज 3 m से। तो फाइनली देखो तो टेंशन आ जाएगा दैट इज 4 mr² अपॉन, यहाँ से देखोगे तो 4 3 m 3 के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो NLM का मेरा दूसरा वाला वीडियो है, कहीं उस पर सर्च करके देख लेना ट्रिक, तो उस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन पूरी मैकेनिक्स में एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो जहाँ सिंगल एक्सलेशन एग्जिस्ट करता हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।